नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोट के साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो, और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्ताना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे नारियल से कैसे उतारा करते हैं, कैसे अपनी नज़र, पनौती और जादू के असर को दूर करते हैं। नारियल की तासीर बहुत ठंडी होती है। नारियल का पानी हल्का प्यास बुझाने वाला होता है। वीर्यवर्धक, मूत्र यानी पेशाब की सभी बीमारियों के लिए बहुत उपयोगी है। सूखे नारियल से तेल निकाला जाता है। इस तेल की मालिश करने से सर पर, मस्तिष्क भी ठंडा रहता है और बाल घने, लंबे और काले हो जाते हैं। नारियल हमेशा मिलने वाला, साल के 12 महीने मिलने वाला एक ऐसा बीजपत्र पौधा है। इसका तना लंबा और शाखा रहित होता है। मुख्य तने के ऊपरी हिस्से पर कुछ पत्तियां बनी होती है, जो आपने नारियल का पेड़ तो देखा ही होगा। समुद्र के किनारे ज़्यादातर नमकीन जगह पर पाया जाता है। इसके फल को हिंदू धर्म के अनुसार श्रीफल भी कहा गया है। हिंदुओं के धार्मिक किसी भी कर्मकांड या क्रियाकलापों में, धार्मिक अनुष्ठानों में इसका महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया है। बंगाल में इसे नारिकेल कहते हैं। नारियल के वृक्ष भारत में प्रमुख रूप से केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मुंबई के तट पर और गोवा के आसपास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नारियल एक बहुत उपयोगी फल है, लेकिन इसके साथ साथ आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आपकी नज़र, पनौती, जादू टोने के ऊपर है। क्या एक नारियल से हम अपने ऊपर का असर निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। नारियल में पानी होता है और अग्नि शैतान को कहा जाता है, आग को कहा जाता है, और आग से बने हैं जिन, जिन्नात, आसेप, भूत, प्रेत, खबीस। तो इन आग को शांत करने के लिए, खामोश करने के लिए हम नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नारियल के बारे में। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो हिंदू मान्यताओं के अनुसार है। जो व्यक्ति जिसके ऊपर कुछ असर हो गया है, भूत प्रेत हो गया है, काम धंधा नहीं हो रहा है, बीमार पड़ गया है, किसी भी काम में हाथ डाल रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, हर बात करने आता है बिजनेस की, काम धंधे की, सुबह उठ के लेकिन शाम तक उसका काम खराब हो जाता है, खाना मुंह तक आते आते खराब हो जाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता, पनौती ऐसी लग गई है, पनौती मतलब मुसीबत चारों तरफ से ऐसी घेर ली है कि खाने को तक पैसा नहीं है, जेब में 10 रुपये तक नहीं है, क्या करें, चाय पीने तक पैसा नहीं है। परेशानी ऐसी कि घर में न राशन भर पा रहे हैं, न मुसीबतें दूर हो रही है। फिर उसके बाद हम ग्रहों, नक्षत्रों, बाबाओं के पीछे भागते ताकि हमारा कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर करें ऐसा क्या उपाय जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। अब किसी बाबा के पास भी हम जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ पैसा जरूर लेगा। पैसा होगा तो देंगे ना उसको, अगर पैसा ही नहीं है तो कहाँ से देंगे। अब बात करते हैं कि आपने अक्सर ये चीज़ इस बात का ध्यान नहीं रखा होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जब भी हम किसी भूत, प्रेत, जादू टोने, अला बला, नज़र वाले व्यक्ति पर से जो उतारा करते हैं वो गोल क्यों होता है? अंडा गोल, नींबू
गोल, नारियल गोल, कलिंगर गोल, भोपला गोल, कद्दू गोल, जो भी चीज़ का हम उतारा करते हैं वो गोल ही क्यों होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोल जो होता है वो शैतान का रूप यानी शैतान का सिर माना जाता है, और आपने जब भी कोई चीज़ उतारी होगी तो उसको हमेशा आपने तोड़ा है, चाहे चार रस्ते पर, चाहे घर के पीछे दरवाजे पर या उसके सामने। उसको तोड़ने का तात्पर्य, उसको तोड़ने का मतलब सीधा सीधा साफ साफ शैतान को उतार कर दुआओं से मंत्रों से उसके अंदर दाखिल करना और फिर उसको तोड़ के उसके सर को फोड़ देना। इस तरह से जाकर बुरी बला आत्माएं, शैतान, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, खबीस, नज़र, पनौती सब निकलती है, यानी उसको तोड़ के उसके दो टुकड़े करते हैं। तो मैं आज आपको जो नारियल का प्रयोग बताने जा रहा हूँ उससे आप एक 10-20 रुपए का नारियल जो भी मिलता होगा खरीद लें। उसके बाद आप उसके ऊपर एक कापूर रखें, उसके बाद आप सामने वाले को बिठा कर जिसके ऊपर भी पनौती लगी हुई है आप उसके ऊपर से इसको 7 बार कापूर रखकर जलाते हुए धीरे धीरे उतारे। जब उतारे तो इस मंत्र को जरूर पढ़े, श्री ओम नमो जल बांधु जंजाल बांधु बांधु जल की काई, अग्नि माता तुझको बांधु हनुमान तेरी दुहाई। इसको पढ़ते हुए आपको इसको उतारना है, 7 बार उतारना है, 7 बार मंत्र पढ़ना है। उसके बाद इस नारियल को उसी इंसान के सामने तोड़ देना है दो टुकड़े, और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर कुछ छींटे उसके मुंह पर मारने हैं। इससे उसकी पनौती, बला, परेशानी, नज़र सब दूर हो जाएगी। अगर आप मुस्लिम तरीके से करना चाहते हैं तो आप सिर्फ नारियल उसके सर पर रखें, आग नहीं जलानी है, कपूर आपको बिल्कुल नहीं जलाना है। आपको दुआ जो पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लाउस बिलबिल्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिनसरिल वसवासिल खन्नास, अल्लजी युवस्वीसो फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नतिल वन्नास। आपको ये पढ़ के 7 बार नारियल को सर से लेकर पैर तक घुमाना है और नारियल को तोड़ देना है। जब दुआ पढ़े 7 बार तो नारियल उसके सर पर रख कर पढ़े। 7 बार दुआ पढ़ लेने के बाद नारियल को फिर बिना दुआ पढ़े 7 बार घुमाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब 7 पूरा हो जाए सर से लेकर पैर तक तो पैर पे आते ही तोड़ दे। जैसे तोड़े उसका पानी सामने वाले के मुंह पर मारे, उस नारियल को ले जाकर उसका एक टुकड़ा दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ फेंके और उसका एक टुकड़ा उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ फेंके। जी हाँ, ऐसा करने से आपकी नज़र, बला, जादू टोना, हाय, बीमारी, परेशानी बहुत दूर तक कम हो जाती है। इसका इस्तेमाल मैंने कई बार किया है क्योंकि हर शैतान, मैंने पहले ही बताया था कि आग से बने। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलिया, टोने टोटके, वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।